नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में जो हम प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न एक सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण का है। प्रश्न क्या है? 38/42 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क का 15% बराबर 24/49। इसमें हमें जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर 38/42 लिखा था तो 38/42 लिख लिया, फिर का लिखा था तो का मतलब होता है गुणा, तो हमने यहाँ पर गुणा लगा लिया। फिर 1/2 था तो 1/2 लिख लिया, प्लस जहाँ पर क्वेश्चन मार्क था हम वहाँ एक्स लिख लेंगे, ठीक है। एक्स लिख लिया, फिर का लगा था तो गुणा आ गया, और 15% तो 15 लिख लिया, और इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 बराबर में क्या हो जाएगा? 24/49, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम इससे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2, 9 आ जाएगा 18, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ क्या बच गया? 1921 प्लस एक्स गुणे 15/100 बराबर 24/49, ठीक है। अब 1921 उस साइड जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स गुणे 15/100 बराबर 24/49 माइनस 1921, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे, 24/49 में से 1921 को माइनस करेंगे। यहाँ 8 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, तो x गुणे 15/100 बराबर 528, ठीक है। अब 15/100 को भी उस साइड ले जाना है तो x बराबर निकल के आएगा। 528 तो था तो वो लिख लिया, 100 नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा, और 15 ऊपर था तो वो नीचे आ जाएगा। अब हम 3 से काटेंगे, 3 से हमने काटा, 3 एकम 3, 3 सात 21 और 3 छिंग 18, इससे काटेंगे, 3 पाँच 15। अब और भी कट जाएगा, 5 से अगर हम काटते हैं तो 5 दूना 10, 20 बार कटेगा। x बराबर हो जाएगा 176 गुणा 20, तो x बराबर क्या निकल के आएगा? 0 2 6 12, 2 सत्ते 14 1 15, 2 एकम 2 1 3। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई? यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आ गई 3520, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 3520, यानी 3520। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।